नेक्स्ट पढ़ेंगे दूसरा कुरिंदी, दूसरा कुरिंदी 3:17-18। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उजाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में जो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं मराठी प्रभु आत्मा आहे आणि जेथे प्रभूचा आत्मा आहे तेथे मोकळीक आहे। परंतु आपल्या मुखावर आच्छादन नसलेले आपण सर्वजण आरशाप्रमाणे प्रभूच्या वैभवाचे प्रतिबिंब पाडत आहोत आणि प्रभू जो आत्मा त्याच्याद्वारे तेजस्वीतेच्या परंपरेने आपले रूपांतर होत असता आपण त्याच्याशी समरूप होत आहोत। हिंदी में अच्छे से पढ़ो। प्रभु तो आत्मा है। प्रभु तू आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है इसकी इंग्लिश में क्या बोला है? लिबर्टी स्वतंत्रता। हाँ पढ़ो। परंतु जब हम सबके उजाड़े चेहरे से प्रभु प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अभी हम देखेंगे पवित्र आत्मा भी हमको क्या करेंगे पता नहीं। अभी तमिल में पढ़ने थे, तमिल में पढ़ो। इधर विडुदलै दिया हिंदी में क्या दिया? स्वतंत्रता। मराठी में मोकला मोकली बोले तो ये सबको मीनिंग बताओ ये की है। फ्री करना आ जाता लेकिन इसमें ऐसा नहीं आएगा। चुप करा अभी अपना आज तक क्या पवित्र आत्मा मीटिंग चलते पवित्र आत्मा इधर घूम रहा है आप छुटकारा पा लेंगे उससे छुटकारा इसके छुटकारा। पवित्र आत्मा ऐसा छुटकारा नहीं देता है हमको पाप से श्राप से और बीमार से और जो गरीबी से सब में कौन छुटकारा दिया है? यीशु मसीह के लहू। लहू याद रखने का किसे किसमें से? पाप श्राप बीमार बीमार से भी कौन छुटकारा दिया? आप पाप क्षमा पा लिया आपको किसमें भी छुटकारा है? बीमार से। क्यों? बीमारी किसमें आते हैं? पाप से। कीमत क्रूस पे क्या कर दिया? और गरीबी गरीबी बोले तो गरीबी हमारा और उसकी क्या बोलता है गरीबी से हम क्या करते हैं हमारा गरीब क्यों गरीबी से? कभी मनुष्य पाप किया पृथ्वी के क्या कर दिया? दिया ना पृथ्वी के श्राप दिया ना नहीं दिया। अभी हमारा पाप श्राप गया था पृथ्वी के श्राप नहीं जाता है? नहीं नहीं समझ रहा आप? हमारा खेत के श्राप जाते क्या नहीं जाता है? अय्यूब को परमेश्वर बोला नहीं शैतान क्या बोलता है? आपने अय्यूब उसके बच्चे उसके प्रॉपर्टी तीनों के क्या करके रखा है? बाड़ा लगाया तो आप उधार पाते हैं आपको प्रॉपर्टी उधार नहीं मिलते है बताओ ना श्राप नहीं हटता है नहीं किधर दिया? उत्पत्ति में क्या किया है? उत्पत्ति में कौन सा तीसरा दिया है ना उधर लास्ट में आके किसका? शैतान शैतान को दिया श्राप सांप को दिया और नहीं लास्ट में पृथ्वी पृथ्वी कुछ नहीं किया पृथ्वी कुछ किया था नहीं किया था कि पृथ्वी के इसका आशीर्वाद भी क्या कर दिया उधर आशीर्वाद भी क्या कर दिया खत्म कर दिया उधर समझ गया श्राप तुम क्या पृथ्वी की क्या तो कभी हम परमेश्वर ग्रहण करते हैं तो उधर क्या कर लिया है वो भी खुल जाता हमारा पृथ्वी का भी श्राप क्या कर लेता है इसलिए हम जो भी करेगा तुम क्या करेगा तुमको पाएगा मतलब क्या बोलते हो सफल होगा क्यों सफल होगा क्योंकि क्या कर दिया दे दिया
लेकिन जिधर यह छुटकारा आता है, पवित्र आत्मा द्वारा वो नहीं होता, याद रखना। पवित्र आत्मा द्वारा वो छुटकारा यीशु मसीह का लघु से, क्लियर लिख रखना। तो उसके बाद में अब जिधर कोई छुटकारा आ रहा है, पढ़ो, अभी पढ़ो, पढ़ो। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ स्वतंत्रता है। कौन सा स्वतंत्रता है नीचे? परंतु जब हम सबके उजाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम अभी क्या करने का? पवित्र आत्मा काम ये नहीं है, वो लघु का काम है। पवित्र आत्मा आप पाने के बाद अब आपका एक हो जाता है, ये सब शरीर का काम को नाश करके आपको अंश अंश करके क्या करने वाला है? बदलने वाला काम है। समझ गया? कौन सा काम है? अंश अंश करके क्या करने वाला है? आपको रूपांतर करने वाला काम है। कैसा रूपांतर करते करके हम देखेंगे। अभी मोशे क्या किया था? मोशे 40 दिन रात खाना पीना नहीं करते हुए, पानी भी नहीं पीते हुए परमेश्वर को उपस्थिति में क्या कर लेते थे? बैठते थे। फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आने के समय उसको मुंह में क्या रहते थे? बहुत बड़ा उजाला। मोसेस का मुंह में क्या रहता था? बहुत बड़ा उजाला रहता था। ये उजाला को नहीं देख पाते करके इसराइली क्या करते थे? पर्दा डाल देता। बोलता मोसे तुम पर्दा डाल, तुम्हारा मुंह क्या नहीं कर पाते हम लोग, तू खाली बात कर हमारे से। क्या करना? तू क्या पहले बोला था परमेश्वर हमसे नहीं बात करता, बात करना तुम बात करना, हम लोग डर रहे। और दोबारा बोला तुम भी उधर जाके आता है परमेश्वर समान, तेरा मुंह क्या कर रहा है? तेरा मुंह भी क्या नहीं कर पाता, हम लोग देख नहीं पाता। पर्दा डाल के तुम क्या करना? केवल बात कर। बात करता करता जाते था, लेकिन कितना भी बात करे लेकिन उनका मन क्या होता जाता था? कठोर होता जाता था। इसराइल का मन क्या होता जाता था? कठोर होता जाता था। तो कितनी वचन करे वापस थोड़ा देर रहता था, वापस किधर चले जाते थे? अली देवता के पास चले करता था, फिर जाता था। परमेश्वर बेची क्या कर दिया? खाली दाऊद का कारण एक क्या किया था? कोतरा करके बारह बाकी पूरा के क्या कर दिया है? बेची दिया था। क्योंकि ये पर्दा डालकर क्या कर रहा है? मुंह का चमक किधर चला जाने नहीं देता है, उसका उधर क्या नहीं कर पाता है, जान नहीं देता है। खाली वचन सुनते सुनते क्या कर लेता है? जाता मन कठोर होता जाता था। तो क्यों कठोर होता जाता आपको बताने के समय अभी इधर क्या करता? अभी अभी पढ़ो, अब याद रखना, बराबर सुनना, नहीं तो नहीं समझेगा। योहन्ना पहले अध्याय, पहले अध्याय पहले वचन से पढ़ो। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जोर से पढ़। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, उसमें क्या था? वचन में क्या था? जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसी जीवन क्या था? मनुष्य का ज्योति था। वचन जा रहा, वचन क्या था? वचन क्या था? जीवन था। उसी जीवन उसी जीवन मनुष्य के लिए क्या था? ज्योति था। लेकिन वो ज्योति अभी क्या किया गया है? पर्दा डाला गया। आप नीचे बढ़। ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति क्या करती है? अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर वो नहीं, नौ सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। जगत में आने वाली थी, जगत में आने वाली थी, यीशु को आने पहले योगान को। समझा? अभी सुनो, अभी क्या क्या है? जीवन था, सब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। ये वचन ही क्या है? जीवन है। ये वचन मनुष्य की क्या था? उजाला था। ये उजाला को क्या कर दिया? अभी पर्दा डाला गया, इसके उनका मुंह क्या हो जाएगा? हो गया है कठोर, हो गया है। अभी क्या किया जाता है? ये जीवन क्या करना है?
जीवन और ज्योति के साथ एक ही चीज क्या है उधर, मिस है वो कौन, क्या है पर्दा, मिस है क्या पर्दा, तो निकालना है पर्दा के, क्या करना है निकालना है, क्योंकि उजाला कहां तक पहुंचना है, क्योंकि उजाला नहीं जाएगा तो उनका मन क्या हो जाता है, कठोर होता जाएगा। इसलिए अभी क्या करता है, इसके साथ क्या होगा, वो जिस जो अभी मनुष्य को प्रकाशित करता वो सच्ची ज्योति है। अभी देखो पत्रस पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा पाने के बाद में एग्जाम्पल के आपको बता ही देता है, आप प्रेरित दूसरा अध्याय पढ़ने के समय उधर क्या होता है मन में, अरे यहूदी ये पारंपरिक के लिए संसार पारंपरिक क्या बोलते हैं रीति में, रीति में क्या बोला जाता है, कहा जाता है हरेक संडे भजन संहिता पढ़ाया जाता है। ये वो लोग क्या था, यहूदियों का नियम था, रीति था, पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा उसी दिन भी पवित्र आत्मा पाने के बाद में, अभी आप देखो पत्रस बहुत बड़ा प्रचार नहीं किया आपको, आप लोगों ने आप लोग कितनी प्रचार आ गया, लेकिन उधर क्या प्रचार करता है, भजन संहिता से दूसरा पढ़ के देखिए ना, टाइम नहीं है निकाला, प्रेरित प्रेरित दूसरा आती है ट्वेंटी फोर पूरा उधर ट्वेंटी फोर पढ़ो, परंतु रुक रुक एक अच्छा पढ़ो जोर से पढ़ो, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। पढ़ो पढ़ते जाओ, तो क्योंकि क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग न जाऊं, इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। अभी देखो और में ये पूरा क्या किधर का वचन है ना, भजन संहिता का वचन उलग रीत है, और संडे क्या करना है, सारे यहूदियों के सामने पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते कोई क्या नहीं हुआ था, किसी का कोई प्रयोजन, कोई कट्टर मन को कट्टर नहीं निकाला था, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ, अभी पता नहीं था पवित्र आत्मा नहीं था, अभी पवित्र आत्मा के साथ प्रेरित कड़ा रखे उसी यहूदियों का देकर इसी पढ़ रहा है, ये पूरा इसके बारे में बताता है, भजन संहिता पढ़ा कर बता रहा है, तुरंत बोली क्या कर रहा है क्या 37 पूरा बात में पढ़ के देखना, मैं थोड़ा सुनने वालों के हृदय चित गए, चित गए क्या कर रहा है, सुनने वाला का मन में अभी क्या कर रहा है, असर आ रहा है, अभी तक क्या नहीं किया है, अभी तक क्या नहीं किया है, छुटकारा नहीं था, उधर पर्दा डालकर क्या किया गया था, बंद कर कर रखा था, अभी चित गया। और वे पत्रस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें, क्या करें, समझा अभी तक क्या नहीं किया है, मतलब वो प्रकाशन जाने के नहीं होने के कारण, पर्दा डालने के कारण, अभी वो वचन, वचन क्या था, ज्योति था, वचन ज्योति बीच में पवित्र आत्मा मिल गया, तो ये वचन क्या कर दिया है, डायरेक्ट यहूदियों के अंदर चल गया, वो लोग पूछ रहा है अभी मैं क्या करना है, अभी क्या करना है, मैं हम लोग प्रिय जनो ये प्रभु हम लोग क्या करना है, उद्धार पाने के लिए हम लोग क्या करना है, समझ गया, क्योंकि वो पर्दा वचन देख रहा है, यीशु मसीह का जो मूर्ति हो गया, तुरंत क्या किया है, पर्दा फट गया, पर्दा फट गया, इसलिए बोला टायर कर रहा, वो क्या करेगा तुमको, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा अभी प्रचार करने टाइम वो प्रकाशन उसके मन में जाकर वो खाला क्या कर दिया है, आटा दिया, समझ रहा अभी, तो इसलिए एक के पास कितने यहूदी, पहले कौन ही उधर पर है यहूदी, 3000 लोग क्या कर रहे हैं, 3000 लोग उधर पर, समझ रहे ना, समझता है,
पर वचन में जीवन था और क्या भी था, ज्योति था, लेकिन बीच में क्या था, पर्दा था। ये पर्दा किसके द्वारा हटाया गया है? मैं जाएगा, तुमको किसको भेजेगा? पर्दा हटाया गया बोलता है तो मैं जाएगा तुमको किसको भेजेगा? सहायक आएगा। सहायक आने के बाद में वही वचन प्रचार करने टाइम, पहले बार 3,000, बाद में क्या होता है 5,000, उतने लोग क्या कर रहे हैं? समझ रहा, समझ रहा आपको? नहीं समझ रहा? समझता नहीं, नहीं समझे? समझ रहा है ये वचन क्या कर रहा है? वचन, ज्योति, पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक व्यक्ति को रूपांतर करता है। अभी पढ़ा वचन, आ जाओ अभी उधर, आ जाओ। पहले पढ़ा ना दूसरा कुरिंथी 3 का, कितने जन को गया क्या मन? प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके उजाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। छुटकारा किसी में मिलता है? अभी मान लो पवित्र आत्मा के द्वारा कौन सा आ रहा है? यह पूरा नाश करके क्या कर रहा है? अंश बोलते हैं एक आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना भी करते हैं ना, उधर आप रूपांतर होते हैं। अंश बंश बोले तो पवित्र आत्मा द्वारा प्रार्थना करने के समय, प्रचार सुनने के समय, पढ़ने के समय आप अंश अंश क्या करते हो? रोज रूपांतर होते हो। अगर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, आपका मन क्या ही होता जाएगा? कठोर होता जाएगा। आपको जितना भी प्रचार सुनेगा आपको क्या नहीं रहेगा? असर ही नहीं रहेगा। ये आपका जाएगा अगले हफ्ता ऐसे आके क्या करेगा बैठेगा आपके अंदर, वो चमक क्या नहीं करेगा, नहीं आएगा। जीवन है, सही है, प्रकाशन है, लेकिन पवित्र आत्मा चाहिए ना दोनों को मिला के आपके अंदर किला निकले, आपको बढ़ाने के लिए, रूपांतर करने के लिए। इसलिए क्या नहीं, मरने के बाद रूपांतर नहीं है। ये नहीं सोचना मरने बाद मेरा पैर उतर गया, वो बात ही अब उनको नहीं है। हम मरने पहले क्या करना है? हम मरेंगे नहीं ना, तो मरने के बाद क्या करते हैं? तो क्या करना, रूपांतर होना। अंश भवन किसके जैसे रूपांतर होना? अपना रूपांतर क्या है, किसके समान है? रोमी 8:27 होगा ना, 27 या 28 पढ़ो। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। रुको उसमें है 29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी। नहीं नहीं 29 का पढ़ो। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत बहुत भाइयों में पहलौटा। कौन सा स्वरूप में आना है? रूपांतर होके कौन सा स्वरूप में आना है? स्वरूप में आना। पहले योहान 3:2, हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। समान होंगे कभी होंगे मरने के बाद? आप काहे के लिए आ रहे हो, उनके दर्शन के या नहीं, क्या करने के? ताई राजा बोलते हैं, जूनागढ़ के भक्त बोलते हैं, बड़ी सवेरे मैं परमेश्वर क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, परमेश्वर का दर्शा रहा हूँ, दर्शन पा रहा हूँ। पवित्र आत्मा द्वारा बड़ी सवेरे प्रार्थना करो, वो क्या करेगा? आप दर्शाएंगे उनको। अब इधर क्या बोलता है, ऐसा दर्शाते एक दिन क्या करेगा, अंश ब अंश रूपांतर होते 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 वो जाने के टाइम कैसा उनके जैसा बनेगा, तो ही उसको जाके काम करवाएंगे। स्वर्ग में काहे के लिए जाते हैं आप? किसको देख रहे हैं? पड़ोसी देखने के लिए? पड़ोसी देखने के लिए जाते हैं, फिर उधर सर्कस डालते यीशु को। समझे ये कौन करता है?
हमारा पर्दा कितने लोग का पर्दा हट गया देखो पता शब्द और वो ज्योति था ज्योति है सब है जब तक पर्दा पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा आपके अंदर वचन काम नहीं कर पाएगा बस आपके अंदर कोई कुछ भी वचन काम नहीं कर पाएगा और आप सेवा के लिए भी जाते हैं ये भी याद रखो वचन बताने के लिए भी जाता है आपका आपके अंदर इसलिए तुम्हारा वचन नमकीन किया जाना है वो प्रेशर किया जा नमकीन किया जाना जाना है तो दूसरा को एक वचन हम बताने के समय वो विश्वास का शब्द के क्या होना है मानना ही पड़ेगा इसलिए ना जुना करार में प्रेरित लोग किधर भी जाओ तो भागा देते थे क्या बोलते थे मनुष्य को पकड़ने वाला उल्टा पुल्टा करने वाला क्या करे यहाँ आएगा तो कुछ कर ही जाएगा क्यों इनके पास क्या थे पवित्र आत्मा था ये लोग आएगा कुछ करके जाएगा इसलिए वो लोग पहले मार कर क्या कर लेते जेल में डालते नहीं तो भागा देता नहीं तो खत्म कर देते ये तो क्या कर लेते ना खत्म कर देता था ये लोग कुछ ना कुछ क्या करेगा हमसे होते हैं हमारा पवित्र आत्मा ही नहीं है अतः होने वाला क्या चीज आप जिस घर में रहते हो उधर परिवर्तन होना पवित्र आत्मा पाओ उसी घर को पहले उल्टा करने का उस घर का वाला को परमेश्वर के पास क्या करना है ले आना तो हमको क्या चाहिए हम तो बड़े बड़े अन्य भाषा बोलते हैं लेकिन क्या नहीं कर रहा है समझ रहे अन्य भाषा बोलने से कुछ लाभ है कुछ भी काम इसमें हो रहा है हमको कुछ तो भी काम हो रहा है हमको रूपांतर हो रहे हम रूपांतर ये पवित्र आत्मा आएगा तभी क्या करेगा आप रूपांतर हो सकते हैं इधर ही अंशांश रोज क्या करेगा कठोर मन तोड़ते 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 एक दिन क्या हो जाएगा ऐसा नरम ऐसा नम्रता ऐसा बन जाएगा क्या करेगा अचंभा हो जाएगा किसके पास पवित्र आत्मा है लोग आपको देखे क्या हो जाएगा एक दिन कैसा कैसा बात करता था एक दिन इसका हाथ में पाला था आज क्या हो रहा है एक दिन इसका हाथ में क्या था पाला था आज कैसा ये पवित्र आत्मा पानी बात क्या कर रहा है कि वही है कि वही सवल है मर्डर करने के लिए सवल उसका क्या करने के मार डालने के आए भाई सवल है समझा क्या क्या बताता है बात समझ रहे ना इसलिए क्या करना है क्या करना पड़ेगा पवित्र आत्मा का पाना कि नहीं पाना अच्छा बा आपके पास पवित्र आत्मा है लोग आपको देकर क्या करेगा हमको देखे क्या करते मालूम है आई क्या आई जाएगा तो हमको क्या रहेंगे अचंभा होना क्या रहना है अचंभा होना है ये मन क्या रहना है समझ रहे हैं बात आपको समझ रहे हैं इसलिए वचन किधर हम पता वचन बताने के लिए जाता है उधर क्या करना है क्या करना है प्रार्थना पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो पवित्र आत्मा का सारे स्वभाव हम पर क्या करने दे आलवे आप किसी को भी जाकर बताएगा ना वो क्या करना ही पड़ेगा मेरे माँ मेरे भाभी की क्या बताई रखा मालूम है मेरे भाभी को मेरा माँ बोला उसके साथ जास्ती चलने के नहीं उसके साथ जास्ती बात नहीं करने का ये तो तुमको क्या कर देगी उसके जैसा बना देगी मैं मर भी जाएगा ना इसके जैसा नहीं बनने का वादा करके रखा है उधर सास और बहु दोनों सास और बहु बोलती है सबको बच्चे लड़की प्यारा रहते सब माँ को लेकिन क्या रहता है आपको नफरत ही करते हैं आपके क्या करते हैं आपको नफरत ही करते हैं अभी बहू के साथ बहुत जलते बहु इसका गाली देती है बहुत जलता है लेकिन एक की बात पैसा भी देके जाएगा नहीं मांगता तेरा पैसा नहीं मांगता उसके डर है क्या मारे बंदे को बना देगी क्या कर देगी इसलिए उस दिन मेरे भाभी को बोलते हैं इतनी सब कुछ करते कुछ बदला तो बोलती है ना चलना तो मेरे साथ चलना क्योंकि मैं बोलते हैं तो क्या बोलते हैं तेरा माँ मेरे से वादा करके मरने के बाद में भी मरने के मरे तब तो तुझे आए नहीं मरने के बाद में भी क्या नहीं करना देखो कैसा वादा होती है इसलिए क्या करना है किधर भी वादा होना दे
हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो प्रार्थना में प्रार्थना कर पाई ले पहले वो दोनों के ही प्रार्थना करता प्रभु ये दोनों कैसा ना कैसा जल्दी मरेंगे उसका पहले क्या हो जाने दे परमेश्वर को। फिर मेरे अभी 3 महीना ये व्रत लेके कुछ तो करके आए सब, फिर रोज झगड़ा रोज झगड़ा। अभी वो क्या बोल के रखा मालूम है, अभी वो परमेश्वर का करते उसके घर में आवाज नहीं, हम भी अभी मेरे को माल बने तो मैं बोलेगा ना तुम जाके क्या है, इसलिए वो हमको उधर बुलाएगी इसलिए हम झगड़ा नहीं करने वो रहने दे झगड़ा नहीं करने। मैं आया गया मारा मारी कल फोन आया बनाया खाना भी खाने के लिए नहीं दिया पूरा खाना ही फेंक दिया बोलते उठाएगी रात को रात वो भाग गया समझ गया। हाँ गैबर में आया गैबर में बहुत तमस हो गए वो जगर बिगर पिया अरे वहाँ क्या बोली मालूम है ये घर में रहती है ना वो तुमको जादू बना के चले जादू कर करके चली गई किसको बोले बाबू को मैं क्या बना जादू टोना जादू टोना। इसलिए ना वो जाएगी तुरंत अपने घर में क्या हो जाता है मैं बोला प्रभु रहने तो प्रार्थना तुम लोग सबको क्या कर रहे हैं थोड़ा समाधान रहता है तुम लोग समझ गया। तो क्या है हमारे अंदर पवित्र आत्मा हम किधर जाएगा तो क्या रहेगा खुद भी बदलेंगे रूपांतर होंगे दूसरा एक भी क्या कर सकते हैं रूपांतर कर सकते हैं बना सकते हैं। हमारे पास क्या है जीवन है आत्मा जीवन और उजाला को बनाने वाला आत्मा हमारे पास है पवित्र आत्मा हमारे पास है। ये तो अभी प्रचार देखो पत्रस कितना प्रचार किया ये तो आप ही करेंगे 3 भजन संहिता का वचन लेके करने से वाली क्या हो गया मन में छेद होकर क्या करना है भैया क्या करना है बता भैया क्या करना है बता समझ गया। पूछने के नहीं पूछना है पूछने के नहीं पूछना है तो याद रखो आपको सेवा करना सुसमाचार बताना होना तो ये सभी चीज हमारे पास क्या करना है सभी चीज हमारे पास क्या रहना है नहीं है हमारा जिंदगी किसके साथ बिता रहे किसके साथ बिता रहे पवित्र आत्मा नहीं तो किसके साथ बिता रहे बता। ये सब नहीं हो रहा क्योंकि ये नहीं कि हमको ऐसा सब हमारे एक्सपीरियंस लाइफ है एक्सपीरियंस लाइफ है। अगर ऐसा लाइफ हमारा नहीं होता है हम किसके साथ जीते हैं संसार नहीं शैतान के साथ संसार क्या संसार में तो रहते हैं क्या कम जीते क्या संसार में तो सब तो जीते हैं किसके साथ हमारे संगति किसके साथ शैतान के साथ। अभी संडे कौन सा संगति है संडे प्रभु भोजन की संगति है ना लेने टाइम थोड़ा सोचो मैं तो अन्य भाषा बोल देता हूँ लेकिन संगति किसके साथ संगति किसके साथ वचन सीधा बताता तू शैतान और परमेश्वर के बीच में भोजन भोजन के लिए क्या नहीं करना नहीं आना क्या करना आपको जितना टाइम बाकी मिलेगा उतना प्रार्थना है प्रार्थना हो क्या पर क्या करना है ठीक होना ही होना ठीक होना ही होना समझ गया। इतना बात आपको समझ गया और कितना कितना बात बताई दिया कितना कितना बात है पवित्र आत्मा तो क्या कह रहे पवित्र आत्मा अभी कैसा पाने के सब मालूम बढ़ गया आप क्यों यीशु मसीह फूंक कर पवित्र आत्मा दिया ये भी आपको मालूम बढ़ गया सब इसलिए पर्दा हट गया आपको पर्दा हटा दिया पवित्र आत्मा के द्वारा कोई जुना इसलिए कोई व्यवस्था आपको क्या नहीं बनाते हैं धर्मी नहीं बनाएगी व्यवस्था आपको धर्मी नहीं बनाएगा व्यवस्था आपको स्वर्ग ले जाके पहुंचाएगा नहीं है उसके साथ और एक चीज क्या कर दिया है आ गया समझ गया। अभी ये सब आप क्या करना है ले पवित्र आत्मा द्वारा आप करते जाएगा दिन ब दिन आपको रूपांतर प्रार्थना के द्वारा वचन के द्वारा रूपांतर होते ही क्या करेंगे वो बताते आपको सब सिखाते हैं सब क्या करते आपको करवाते हैं इतना समझ गया आपको। आप केवल वचन बोले तो कोई सुनने वाला नहीं वचन जीवन है ज्योति है पढ़ा ना योगान में पढ़ा ना वचन और ज्योति इस साथ क्या चाहिए पवित्र आत्मा तभी क्या करेंगे काम यह वचन काम करेगा स्वतंत्र करेगा वो पर्दा हटाकर मुझे क्या करेगा कठोर मन हटाकर हमें क्या करेगा इसे के लिए बहुत नया आत्मा देगा तुम्हारे मन को नया बनाएगा कठोर निकाल देगा और मत बहुत है ना अभी आपको तो इसमें से बहुत बना सकते हैं ना। तो बीज बोने के लिए आया बीज बोने वाला बोया था उसमें क्या एक पथरीली जमीन पर गया पथरीली क्या कठोर जमीन पर थोड़ा टाइम वचन पवित्र आत्मा नहीं है वो जमीन कैसे ही रहेगा कठोर ही रहेगा पथरी रहेगा थोड़ा आएगा फिर क्या हो जाएगा जहाँ आने की जगह इन्होंने जल जाएगा थोड़ा भुगेगा फिर क्या करेगा ऐसे ही हम चलते हैं अभी
हम कौन है, कौन सा ए, या पहले दूसरा तीसरा तीनों भी हम क्या पहले भी है असर वाला नहीं, पहले वाला बीज किधर बोया गया था, असर ही नहीं है उसको बोया गया, कोई तो उठा के लेके चले गया। और दूसरा क्या, कठोर पदरली, तीसरा झाड़ी, ये ना यही ना था। अच्छी जमीन कितना है, अच्छी जमीन क्या लाते हैं, 30 गुना 60 गुना। फल आपको फल किधर है, मैं जाना पड़ा गाँव छोड़ के, कहा जाने वाला कौन था, ना मेंढपाल बच्चे देता है क्या, भेड़ बच्चे देते हैं, बता ना भेड़ ना, अभी कौन जाना पड़ता है उल्टा, अभी भेड़ तो कोई काम का नहीं है, अभी क्या करना, मेंढपाल ही काव छोड़ के काव क्या करना पड़ेगा, कितना फल लेके आते हैं, थोड़ा समझ सोच की क्या करना, वचन बोलते हैं इस हिसाब क्या करना है, समझ की आराम से बैठ के क्या करना, पढ़ो।